कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर बार बार प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। एहतियातन स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल बंद करने के आदेश दिए हुए हैं और राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, यहां तक कि शादी समारोह में भी 200 से ज़्यादा लोग एक स्थान पर एकत्रित ना हो, इसके आदेश जारी किए हुए हैं। और इन्हीं आदेशों को पूरा करने के लिए आज शहर का प्राचीन हनुमान मंदिर भी बंद कर दिया गया। हालांकि फिर भी बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद होने के चलते श्रद्धालु बाहर ही मत्था टेक कर चले गए और कोरोना वायरस के प्रकोप से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना करते रहे। शहर के बड़ा तालाब स्थित हनुमान मंदिर में मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु अर्जी लगाने आते हैं, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले कम श्रद्धालु मंदिर तो आए जिन्हें भी मंदिर के द्वार बंद मिले। जागरूकता फैलाई जाए कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो आज के दिन बहुत बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो लोगों को जागरूकता करने के लिए क्योंकि हम मंदिर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं तो उससे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो कोरोना जो वायरस चल रहा है ये बीमारी का प्रकोप एक दूसरे को लग भी सकता है, इसको सूचित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और आज मंदिर बंद रखा गया है। और जनहित में प्रशासन के आदेश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करो इस वायरस बारे। हम हर मंगलवार को मंदिर में आते हैं लेकिन आज कोरोना की वजह से मंदिर बंद है। हमें नहीं पता था कि आज मंदिर बंद होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी पहलू की गई है कि भाई कोरोना के वायरस को बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए मंदिर बंद किया गया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम घर बैठकर प्रार्थना करेंगे कि सभी स्वस्थ रहें। ये बंद किए हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से। यहाँ हर मंगलवार को 1500 भक्त लोग आते हैं, पर ये हमने पब्लिक की जागरूकता के लिए द्वार बाबा के पट बंद कर दिए हैं ताकि लोगों में वायरस का खतरा ना बने और लोग जागरूकता बनी रहे। हम लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि घरों में बैठकर पूजा करें और कम से कम बाहर निकले, भीड़ के इलाके में ना जाए। हाँ जी, तो ये बाबा की से भी हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्द हमारे देश में वायरस का प्रकोप खत्म हो जाए और सब लोग स्वस्थ बने रहें।